हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद इंजीनियर सुहेल मंजिल तक सफ़र में तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और आप सभी लोग अपनी सुपर टेट और यूपी टेट की तैयारी को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे आपकी उसी तैयारी को सुपर टेट की तैयारी को थोड़ा एक बढ़िया तरीके से डिजाइन कर कर आपको आज बताने वाला हूँ कि कैसे आपको सुपर टेट की तैयारी करनी है और कैसे आपका एक अच्छा स्कोर आएगा किन किन चीज़ों को आपको फॉलो करना है और कौन कौन से वो स्टेप्स हैं जो आपको दोस्तों बहुत अच्छा स्कोर अचीव करने में आपकी हेल्प करने वाले हैं सुपर टेट एग्जाम में तो उससे पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों ने अगर कल वाली वीडियो ना देखी हो सुपर टेट आंदोलन के लिए जो हमने बनाई थी तो आप इस वीडियो को जाकर जरूर देखें आई बटन पर आपको दोस्तों ये वीडियो दिख जाएगी सुपर टेट आंदोलन के लिए जो तेईस मार्च को आपका होने वाला है लखनऊ में और जो लखनऊ नहीं पहुँच सकते वो अपने ट्विटर कैंपेन पर आंदोलन करेंगे 23 मार्च सुबह दस बजे तो ये डेट आप लोग याद रखिएगा तेईस मार्च सुबह दस बजे ट्विटर पर कैंपियन और जो आस पास के लोग हैं वो वहाँ पर पहुँचे लखनऊ वहाँ पर पहुँचना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सुपर टेट वैकेंसी के लिए तो चलिए दोस्तों करते हैं आज के अपने इस सेशन को हम सभी लोग स्टार्ट तो सबसे पहले है कि सुपर टेट को चार महीने में कैसे पास करना है ये सबसे बड़ा विषय है देखिए चार महीने मैंने इसलिए लिखे हैं वैसे एग्जाम आपका अभी फ़िलहाल नहीं होने वाला है ये इतनी जल्दी लेकिन चार महीने मैंने इसलिए लिखे हैं जिससे आप अपनी तैयारी को टाइम से पहले कंप्लीट करें क्योंकि जब भी दोस्तों आपका नोटिफिकेशन आएगा सुपर टेट का तो उससे दोस्तों नोटिफिकेशन से लेकर और आपको एग्जाम तक लगभग दोस्तों 45 से 50 दिन ही देखने को मिलेंगे मैक्सिमम मैक्सिमम 45 से 50 दिन का ही समय आपको मिलेगा नोटिफिकेशन आने से लेकर आपके एग्जाम होने तक 45 से 50 दिन का समय तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग टाइम रहते अभी तैयारी कर लें सुपर टेट एग्ज़ाम की और अभी जो आंदोलन होता है इसमें देखते हैं क्या हम लोगों का निष्कर्ष निकलता है क्या सरकार हम लोगों की बात मानती है या क्या क्या दोस्तों जो है वहाँ से हमें आंसर मिलेंगे वो सभी दोस्तों जो चीज़ें वहाँ से निकलेंगी तो मैं आपको ट्विटर कैंपेन के बाद बताऊँगा कि इसका क्या फ़ायदा होने वाला है सुपर टेट एग्ज़ाम में ठीक है तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं अपनी स्ट्रैटेजी की तरफ तो सबसे पहले हमने लिखा है कि सुपर टेट को चार महीने में कैसे पास करना है तो सबसे पहले हम किसी भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी करें तो हमें एकदम से तैयारी करना स्टार्ट नहीं करना चाहिए हमें बनाना चाहिए मेरा भाई एक स्ट्रैटेजी कि हम इस एग्ज़ाम के सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का लेवल देखें कि इस एग्ज़ाम में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे सब्जेक्ट कौन कौन से हैं मैथ है ठीक है आपकी जी है विज्ञान है बाल बाल मनोविज्ञान है ठीक है बाल विकास जिसे हम कहते हैं सी डी पी आपकी इन्वायरमेंट है इंग्लिश है संस्कृत है उर्दू है ठीक है उर्दू नहीं इंग्लिश संस्कृत है आपकी मतलब कुल मिला के चौदह सब्जेक्ट लगभग ऐसे हैं जो आपसे इस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं जैसे भाषा में हिंदी अंग्रेजी और संस्कृत बीस नंबर की हिंदी आती है दस की अंग्रेजी दस की संस्कृत आती है तो हम सबसे सब पहले देखेंगे कि हिंदी में किस प्रकार के क्वेश्चन बन रहे हैं वो हमें पता लगेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अंग्रेजी में किस प्रकार से क्वेश्चन बन रहे हैं संस्कृत में किस प्रकार से क्वेश्चन बन रहे हैं और सभी के लिए दोस्तों हमने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चलवा दी हैं आप सभी के लिए तो आप सभी लोग आई बटन पर जाकर प्ले चेक कीजिए संस्कृत बाय जफर सर के नाम से प्ले मिलेगी आमिल सर के नाम से मैथ की प्ले मिलेगी ई की मेरे नाम से मिलेगी और एक मैथ जिसमें मैं दोस्तों आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और बेहतरीन तरीके से जो क्वेश्चन आपके हैवी भी हैवी भी आपको लगते हैं उन क्वेश्चन को मैं वहां पर डिस्कस कर रहा हूं प्ले में तो आप जाकर एक बार प्ले चेक करिए आई बटन पर जाकर ठीक है तो ये सब सब्जेक्ट हैं जो आपके सुपर टेट एग्जाम में आते हैं विज्ञान में दोस्तों साइंस आपकी दस नंबर की गणित बीस नंबर की पर्यावरण सामाजिक अध्ययन शिक्षण कौशल बान मनोविज्ञान और जीवन कौशल इन्हीं तीनों को ही दोस्तों हम लोग क्या बोल देते हैं इन्हीं तीनों को ही हम लोग बोल देते हैं क्या चीज़ सी इन्हीं तीनों को ही साथी हम लोग क्या बोल देते हैं सी बोल देते हैं जो आपकी साथी आपको मिलने वाली है तीस नंबर की ठीक है ये आपको मिलने वाली है तीस नंबर की तो ये तो आपकी इंपॉर्टेंट रहेगी ही सी केवल तीन चार सब्जेक्ट को अगर आप फोकस करते हैं तो आपका बहुत अच्छे से दोस्तों ये एग्ज़ाम क्रैक होगा वो तीन सब्जेक्ट चार सब्जेक्ट कौन से टॉपिक हैं भाई वो एक तो हो गई आपकी भाई कौन सी भाई एक तो भाषा पर आपको मेहनत करनी है दूसरे दोस्तों हो गई आपकी मैथ ठीक है तीसरी आपकी सी और चौथी चीज़ मेरे भाई क्या होगी आपकी स्ट्रेटिक जी के ठीक है चौथी चीज़ आपकी होगी स्टैटिक जी के अगर आप इन चार चीज़ों पर कमांड बना लेते हैं चालीस बीस साठ नब्बे और तीस कितने होते हैं नब्बे और तीस एक सौ बीस तो एक सौ बीस मार्क यहाँ से दोस्तों आपके अगर आपने यहाँ पर इन चीज़ों पर कमांड बनाई और ये सब्जेक्ट ऐसा है आपका मैथ जिसमें दोस्तों आप बीस में से बीस बिल्कुल आसानी से ला सकते हैं ठीक है बीस में से बीस आप ला सकते हैं मैथ सब्जेक्ट क्योंकि यहां पर आप फुल मार्क ला सकते हैं बहुत से बच्चे लाते भी हैं ठीक है अगर आप ये कहेंगे कि सर कहने और करने में अंतर है तो आप मत मानो लेकिन बहुत से बच्चे लेकर आते हैं नंबर पूरे ठीक है सी में दोस्तों तीस में से आप बीस प्लस मानकर चलेंगे चालीस में से यहाँ पर भी आप दोस्तों तीस प्लस मानकर चलेंगे क्योंकि दोस्तों ये आप हिंदी दोस्तों बहुत से बच्चे करेंगे जिनकी अंग्रेजी अच्छी होगी वो अंग्रेजी भी कर कर ले जाएंगे और संस्कृत भी कर कर ले जाएंगे और विज्ञान की अगर हम बात करते हैं कि विज्ञान में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा तो मैं आपको क्लियर करके भी बता देता हूँ कि विज्ञान में आपके कौन कौन से टॉपिक हैं तो टॉपिक की अगर हम बात करते हैं तो दैनिक जीवन में विज्ञान गति जिसे हम मोशन कहते हैं फोर्स मतलब बल ऊर्जा दूरी प्रकाश ध्वनि जीवों की दुनिया मानव शरीर स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण ठीक है पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन पदार्थ एवं पदार्थ की अवस्थाएं अम्ल छार लबड़ धातु अधातु मतलब कुछ टॉपिक आपके इसमें केमिस्ट्री के भी हैं कुछ टॉपिक आपके आपके जो हैं बायोलॉजी के भी हैं और कुछ टॉपिक आपके इसमें फिजिक्स के भी हैं और टॉपिक भी इन्होंने दे रखे हैं तो इन्हीं टॉपिक को आपको कंप्लीट पढ़ना है इन्हीं टॉपिक से दोस्तों आपके जो है दस नंबर के क्वेश्चन बनेंगे अगर हम गणित की बात करते हैं तो गणित में दिया है अंकीय क्षमता गणितीय संक्रियाएँ दशमलव स्थानीय मान भिन्न ये सब कुछ दोस्तों सभी जो टॉपिक करवा दिए हैं आमिल सर ने तो आप आमिर सर की क्लास जरूर जाकर देखें बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं मैथ को तो आप यहां से दोस्तों गणित की तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं ठीक है लाभ हानि प्रॉफिट लॉट प्रतिशत विभाज्य गुणनखंड एकिक नियम सामान्य बीज क्षेत्रफल औसत आयतन अनुपात सर्व समीकाएँ सामान्य ज्यामिति सामान्य सांख्यिकी तो ये सब चीज़ें दोस्तों जो है आमिर सर आपकी कंप्लीट करवा देंगे और चार महीने तो दोस्तों बहुत दूर की बात है तीन महीने में दोस्तों आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस हम लोग यहां पर करवा देंगे चाहे संस्कृत हो चाहे दोस्तों आपकी वो मैथ हो चाहे ई हो तो आप इस चैनल को दोस्तों जरूर जोड़ सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क तैयारी के लिए ठीक है बाकी पर्यावरण वगैरह में दोस्तों आपकी सामाजिक अध्ययन भी पूछी जाती है जैसे पृथ्वी की संरचना नदियां हैं जलप्रपात हैं महाद्वीप है महासागर है प्राकृतिक संपदा है अक्षांश और देशांतरीय रेखाएं सौर मंडल भारतीय भूगोल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम भारतीय समाज सुधारक भारतीय संविधान मतलब जितनी चीज़ें हैं ना मैं इस पूरा सिलेबस का दोस्तों आपको जो है स्क्रीनशॉट और आपको फोटो में भेज दूंगा आपके टेलीग्राम पर तो टेलीग्राम का नीचे दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है बाहर कर दोस्तों आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं हम बात करते हैं दोस्तों अपने इसकी तरफ तो सुपर टेट को चार महीने में पास करना दोस्तों इतना ज़्यादा कठिन नहीं है तो चार महीने में हम आराम से तैयारी कर सकते हैं सबसे पहले दोस्तों हम जब तैयारी करते हैं तो हमें तीन चीजें दोस्तों बहुत अच्छे से करना चाहिए सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए चीज का सिलेबस कि हमारा सिलेबस क्या है तो, तो सिलेबस हमने डिस्कस किया अब इस सिलेबस के अंदर दोस्तों आपको टॉपिक देखने हैं कि हमारे टॉपिक में कौन कौन से सिलेबस में चीजें हमारे टॉपिक पूछी जा रही हैं दूसरी चीज दोस्तों हम जो भी पढ़ेंगे उसका हम करेंगे रिवीजन ठीक है जो भी चीज़ हमने पढ़ी उसको हम बेहतरीन तरीके से रिवीजन ज़रूर करेंगे अगर हम रिवीजन नहीं करते हैं तो सब चीज़ गोल हो जाती है तीसरी चीज़ हमारी होती है मेरा भाई मॉक टेस्ट हमें मॉक टेस्ट जरूर देना चाहिए आप दोस्तों देखते होंगे कि आप लोग कहते हैं कि अरे यार, यार हमारे मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे हैं तो मॉक टेस्ट हमें देने हैं ठीक है मॉक टेस्ट हमें देने हैं और मॉक टेस्ट से सिलेबस कंप्लीट करने का कोई रोल नहीं होता है मॉक टेस्ट से हमें पता लगता है कि हमारा रिवीजन भी होता है अगर हम लोग मॉक टेस्ट करेंगे तो रिवीजन तो हमारा ऑटोमेटिक मॉक टेस्ट में होता ही रहता है जो हमारा पार्ट कमजोर है जो इसमें मॉक टेस्ट में हम जिसमें हमें दिक्कत आ रही है नंबर करने में वो मॉक टेस्ट में दोस्तों हम उस चीज को पक्का करेंगे किसके जरिए रिवीजन के जरिए तो ये होती है दोस्तों तैयारी की कि सिलेबस कंप्लीट करा फिर हमने रिवीजन करा ठीक है रिवीजन साथ साथ में ही करना है और हमें मॉक टेस्ट लगाने हैं साठ परसेंट सिलेबस आपका कंप्लीट हो फिर आप मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर सकते हैं तो ये सब चीजें दोस्तों जो आपको याद रखनी है अच्छा नेक्स्ट स्टेप है आपका यूपी टेट के साथ सुपर टेट कैसे करें देखिए सुपर टेट और यूपी टेट का संबंध बहुत बढ़िया है अगर आपने यूपी टेट में दोस्तों अच्छा स्कोर करा अगर आपने यूपी टेट में अच्छा स्कोर करा तो सुपर टेट में दोस्तों आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है क्योंकि अगर हम यूपी टेट की अगर मैं मेरे भाई बात करता हूँ ना किसकी यूपी टेट की तो यूपी टेट में कौन सा सब्जेक्ट आता है देखिए मैथ आती है आपकी ठीक है मैथ आती है और जो कितने नंबर की आती है तीस नंबर की ठीक है यहीं पर दोस्तों ई भी आपको देखने को मिलती है जो कितने नंबर की आती है तीस नंबर की यहीं पर साथ ही आपको हिंदी देखने को मिलती है यू टेट की बात कर रहा हूं तो हिंदी भी आपकी कितने नंबर की आती है तीस नंबर की और चौथे नंबर पर दोस्तों हम लोग देख लेते हैं क्या चीज़ चौथे नंबर पर हम या तो इंग्लिश लेते हैं या तो संस्कृत लेते हैं या तो उर्दू लेते हैं और वो भी कितने नंबर की आती है तीस नंबर की आती है उसके बाद दोस्तों हमारा एक सब्जेक्ट और बचता है ठीक है हमने क्या ले लिया मैथ ई बी एस यहीं पर दोस्तों हमारी बनती है सी चाइल्ड डेवलपमेंट जो भी दोस्तों आपकी तीस नंबर की आती है तो यहां पर क्या है बस क्या है नंबर ज्यादा ज्यादा दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे बाकी अगर आप यूपी टेट की तैयारी करते हैं तो आपके कितने सब्जेक्ट तैयार होते हैं देखिए मैथ आपकी तैयार हो रही है मैथ ठीक है मैथ तैयार हो रही है आपकी भाषा हिंदी तैयार हो रही है अगर आप यहाँ पर देखिए इंग्लिश संस्कृत लैंग्वेज टू में होती है मतलब ये चालीस नंबर का पार्ट आपका यहाँ पर दोस्तों यूपी टेट में ही तैयार हो रहा है मेरी बात को ध्यान से समझिएगा आपकी बीस नंबर की गणित तैयार हो रही है यहाँ पर ठीक है आपका ई दोस्तों तैयार हो रहा है पर्यावरण ही दस नंबर का ठीक है यहीं पर दोस्तों आपका ये पर्यावरण तैयार हो रहा है उसके बाद दोस्तों सी की अगर हम बात करते हैं तो ये तीस नंबर की दोस्तों सी आपकी दोस्तों तैयार हो रही है यहाँ पर भी कुछ चेंजेस हल्के फुल देखने को मिलेंगे वो आप कवर कर लेंगे लेकिन इससे आपको दोस्तों फायदा बहुत होने वाला है लगभग आप मानकर चलेंगे कि दोस्तों आपकी 60 परसेंट तैयारी 60 परसेंट तैयारी दोस्तों आपकी यूपी टेट एग्जाम से हो जाएगी अगर आपने यूपी टेट एग्जाम में मेहनत कर ली यू टेट एग्जाम में अगर आपने मेहनत कर ली तो सुपर टेट में दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है अपने यू टेट एग्जाम से तो यू टेट में दोस्तों बहुत अच्छे से आपको तैयारी करनी है कई सारी वीडियोस हम यू टेट के ऊपर दे चुके हैं कि यू टेट की तैयारी कैसे करनी है तो आप हमारी प्ले चेक कर सकते हैं या हमारे वीडियोज़ या हमारे चैनल चेक कर सकते हैं या आप यू पी वाई इंजीनियर सोहेल सर कर सर्च कर सकते हैं तो हमारी सारी वीडियोज़ आपको देखने को मिल जाएंगी या अगर आप और भी वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट कर कर हमें बता सकते हैं कि हम सर इस चीज पर हम वीडियो या इस टॉपिक पर हम आपसे वीडियो चाहते हैं तो हम आपको बिल्कुल वीडियो देंगे तो चीज़ों को समझें आप मैं क्या कहना चाह रहा था कि यूपी टेट के साथ में सुपर टेट बिल्कुल होगी अगर आप यूपी टेट में मेहनत करते हैं तो सुपर टेट में दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है तो उम्मीद करता हूं दोस्तों चीज़ें आप लोग समझे होंगे रीजनिंग दोस्तों यहां पर इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं आती है जो आपकी ये पाँच नंबर की रीजनिंग है और पाँच नंबर की दोस्तों आपकी आती है सूचना प्रौद्योगिकी या दोस्तों इसे आई हम कहते हैं या दोस्तों कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे पाँच नंबर के पांच नंबर की दोस्तों रीजनिंग मिलेगी जो बहुत आसान सी देखने को मिलेगी स्टैटिक जीके में दोस्तों कला व संस्कृति वगैरह है अनुसंधान वगैरह है ये सब चीजें दोस्तों पूछी जाएंगी और करंट अफेयर दोस्तों यहाँ से पूछी जाएगी करंट अफेयर के लिए दोस्तों आप स्पीडी बुक को परचेज कर सकते हैं जब परचेस करेंगे जब आपके एग्जाम की डेट पता लगेगी तब अभी परचेस नहीं करना है कोई भी चीज़ ठीक है अभी केवल मैंने क्या है आपको बताया कि ये सब्जेक्ट आपके आते हैं और हम इस चीज़ की तैयारी करवा रहे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप चाहें तो इस परिवार से जुड़ सकते हैं संस्कृत की आप एक डेमो लेकर देखिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस हैं डेमो का मतलब ये मैं समझिएगा पेड कोर्स है आप संस्कृत की एक आध क्लास लेकर देखें मज़ा आए तब आप आगे क्लास लें मैथ की क्लास लेकर देखें मज़ा आए तब आप आगे क्लास लें ई की क्लास लेकर देखें और जो मैं सुपर थर्टी क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैथ्स के अच्छे लेवल के उनको देखें एक बार पढ़कर अगर आपको मज़ा आए तो आप रुकें ना मज़ा आए तो आप कहीं और भी जाकर देख सकते हैं ऑप्शन बहुत हैं आप सभी लोगों के पास तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और यही है दोस्तों कि मैं हर दिन आपको आके मोटिवेट करता हूं सुपर टेट एग्जाम के लिए और ये भर्ती होगी जरूर चाहे दोस्तों अभी तेईस तारीख के बाद हमें पता लगेगा कि यह भर्ती कब होनी है ठीक है तो तेईस मार्च को दोस्तों आंदोलन में जरूर शामिल होना है आप सभी को ठीक है तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत